हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ कुलदीप सिंह। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो उसके लिए आपके लिए एक इम्पॉर्टेंट अपडेट आया है, जिसके बारे में डिटेल में आगे वीडियो में बताने वाला हूँ। साथ ही मैं आपको यह भी बताऊंगा कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कैसे करते हैं, उसका प्रोसीजर बताऊंगा, जो कि बहुत ही सिंपल है, जिसके बाद कि आप अपने आधार को पैन कार्ड से बहुत ही आसानी से लिंक कर सकते हैं। वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ऐसे इन्फॉर्मेटिव वीडियो मैं आपके लिए डेली लाता हूं। दोस्तों, अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपके लिए एक इम्पोर्टेंट अपडेट आया है। इम्पोर्टेंट अपडेट यह है कि 2018 में भी यह नियम लागू किया गया था कि जो भी कोई व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य है, जिसके बाद की दिल्ली हाईकोर्ट में एक पिटीशन फाइल की गई और उस पिटीशन में यह कहा गया कि जो भी आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए अनिवार्यता की गई है उसको खत्म कर देना चाहिए। जिसके बाद दिल्ली हाईकोर्ट ने यही कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है और ऐसा व्यक्ति असेसमेंट ईयर 2018-19 में अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो ऐसे व्यक्ति को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य नहीं होगा। और जिसके बाद की दिल्ली हाईकोर्ट के जजमेंट के बाद आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता को खत्म कर दिया था, लेकिन अब सुप्रीम कोर्ट में पिटीशन फाइल की गई है और उसमें यह कहा गया है कि दिल्ली हाईकोर्ट ने जो जजमेंट दिया था फरवरी 2018 में कि आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने की अनिवार्यता को खत्म किया था, अब उसको दोबारा से चालू कर देना चाहिए और आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना चाहिए। अगर कोई भी व्यक्ति जो कि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। इसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में यही कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति जो कि असेसमेंट ईयर 2019-20 में अगर इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करता है तो ऐसे व्यक्ति को अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा। जिसके बाद कि अब अगर कोई भी व्यक्ति जो कि अपने असेसमेंट ईयर 2019-20 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करेगा तो ऐसे व्यक्ति को सबसे पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा, इसके बाद ही ऐसा व्यक्ति इनकम टैक्स रिटर्न फाइल कर सकता है। अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं और अगर आप आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं करेंगे तो आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल नहीं कर पाएंगे। तो इसलिए अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको सबसे पहले अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य होगा, जो कि सुप्रीम कोर्ट ने ये डायरेक्शन दिए हैं। इसके अलावा मैं आपको बता दूं कि किन किन योजनाओं में या कहां कहां पर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को प्रयोग करना अनिवार्य किया है और किन किन जगहों पर सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को प्रयोग करने से मना किया है या फिर उसकी अनिवार्यता को खत्म किया है, जिसके बारे में मैंने डिटेल में एक वीडियो बनाया है। उस वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, वहां जाकर आप उस वीडियो को देख सकते हैं। उस वीडियो में मैंने आपको यही बताया था कि किन किन जगहों पर या फिर किन किन योजनाओं में आप आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म किया है सुप्रीम कोर्ट ने और किन किन जगहों पर आपको आधार कार्ड प्रयोग करना होगा। आधार कार्ड का प्रयोग करने से पहले सबसे पहले यह बात जरूर जान लें कि अगर आप आधार कार्ड का ऐसी जगह पर प्रयोग करते हैं जहां पर उसकी अनिवार्यता नहीं की गई है, तो ऐसे में आपके साथ ऐसा भी हो सकता है कि आपका जो भी कंपनी में या फिर कोई प्राइवेट अगर कंपनी है उसमें अगर आप अपना आधार कार्ड देते हैं तो ऐसे में आपके आधार कार्ड का डिटेल का मिसयूज भी हो सकता है। इसलिए सबसे पहले यह जरूर जान लें कि किन किन जगहों पर आपको अपने आधार कार्ड का यूज करना चाहिए और किन किन जगहों पर यह अनिवार्य किया गया है कि आपको अपने आधार कार्ड का प्रयोग करना होगा, जिसका लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया है, उस वीडियो को आप जाके देख सकते हैं। क्योंकि बहुत बार लोगों को इस बात की जानकारी नहीं होती है कि अगर आप अपना बैंक में अकाउंट ओपन करवाने के लिए जाते हैं और अगर आपसे वहां पर आधार कार्ड अगर मांग लिया जाए तो आपको क्या करना चाहिए, क्योंकि आपको इस बात की जानकारी नहीं है कि बैंक अकाउंट ओपन करवाने के लिए आपको आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है। इसलिए आपको इस बात की जानकारी होनी चाहिए कि किन किन जगहों पर आधार कार्ड की आवश्यकता है। ऐसे ही अगर आप अपना मोबाइल कनेक्शन लेते हैं या फिर कोई नई सिम अगर लेते हैं तो ऐसे में आपको आधार कार्ड की अनिवार्यता नहीं है, आप बिना आधार के भी अपनी मोबाइल सिम ले सकते हैं, जो कि पहले यह नियम नहीं था। जिसके बाद सुप्रीम कोर्ट ने जब अपना जजमेंट दिया और सुप्रीम कोर्ट ने अपने जजमेंट में कहा कि अगर कोई भी व्यक्ति मोबाइल कनेक्शन अगर लेता है या फिर कोई भी नई सिम लेता है तो ऐसे में उसको आधार कार्ड की आवश्यकता नहीं है, और सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट से पहले सभी लोग अपने से आधार कार्ड ले रहे थे कोई भी मोबाइल कनेक्शन लेने के लिए या फिर कोई भी नई सिम देने के लिए, लेकिन अब ऐसा नहीं है। इसलिए सबसे पहले यह जरूर जान लें कि किन किन जगहों पर आधार कार्ड का प्रयोग करना अनिवार्य है और किन किन जगहों पर आप आधार कार्ड के लिए मना कर सकते हैं, क्योंकि आधार कार्ड में आपकी पूरी डिटेल के साथ साथ आपका फिंगरप्रिंट भी होते हैं और ऐसी डिटेल का मिसयूज भी किया जा सकता है। इसलिए सबसे पहले इस बात का जरूर ध्यान रखें। इसलिए सुप्रीम कोर्ट ने यह भी कहा था कि प्राइवेट कंपनीज में या फिर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन में आधार कार्ड की अनिवार्यता को खत्म किया कि कोई भी अगर प्राइवेट ऑर्गेनाइजेशन या फिर प्राइवेट कंपनी आधार कार्ड अगर डिमांड करती है तो उसके लिए आप मना कर सकते हैं, क्योंकि ये बहुत बार सामने आया है कि कोई भी प्राइवेट कंपनी है वो आपकी डिटेल्स का मिसयूज करती है और ऐसे में आपको काफी नुकसान हो सकता है। इसलिए अपने आधार कार्ड का प्रयोग करने से पहले ये जरूर ध्यान रखें
कि किन किन जगहों पर इसका अनिवार्यता है और किन किन जगहों पर आप आधार कार्ड का प्रयोग करने के लिए मना कर सकते हैं। अब मैं आपको बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं, क्योंकि इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करने के लिए सुप्रीम कोर्ट ने इसको अनिवार्य कर दिया है। और अगर आप असेसमेंट ईयर 2019-20 में इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करना करेंगे तो उसके लिए आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना जरूरी होगा। तो सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने से पहले यह जरूर जान लें कि अगर आपके आधार कार्ड में और जो भी पैन कार्ड में डिटेल्स दी गई हैं वो सेम होनी चाहिए। जैसे कि आपका नाम, जो भी आपका नाम आधार कार्ड में है वही आपका पैन कार्ड में होना चाहिए। आपकी डेट ऑफ बर्थ, जो भी डेट ऑफ बर्थ आपके आधार कार्ड में है वही सेम डेट ऑफ बर्थ आपके पैन कार्ड में होनी चाहिए। और आपका जेंडर, मीन्स आप मेल है या फीमेल, वो आपका आधार कार्ड में और पैन कार्ड में, ये तीनों डिटेल सेम होनी चाहिए। उसके बाद ही आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अगर आपके ये तीनों डिटेल या फिर अदर डिटेल जो भी है वो आपके आधार कार्ड में और पैन कार्ड में अगर सिमिलर डिटेल नहीं है, मीन्स आधार कार्ड में और पैन कार्ड में जो भी डिटेल है वो सेम नहीं है, दोनों डिफरेंट है, तो ऐसी कंडीशन में सबसे पहले आप अपने आधार कार्ड और पैन कार्ड को चेंज करिए और जो भी आधार कार्ड में और पैन कार्ड में डिटेल है उनको दोनों को सेम करें। उसके बाद ही आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अब मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बताता हूँ कि किस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। सबसे पहले आपको आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करने के लिए इनकम टैक्स की ई फाइलिंग वेबसाइट पर जाना होगा, जो कि www.incometaxindiaefiling.gov.in है। इस पे आपको ओपन करना होगा इस वेबसाइट को सबसे पहले, और उसके बाद में आपको जो विंडो ओपन होगी उसमें आपको लेफ्ट साइड में, मीन्स बाईं तरफ आपको ऊपर की साइड में क्विक लिंक्स का ऑप्शन मिलेगा, उस पर आपको क्लिक करना है। जिसके बाद कि आपको कुछ ऑप्शन और मिलेंगे, उस पर एक ऑप्शन होगा लिंक आधार। उस लिंक आधार के ऑप्शन पे आप जैसे ही क्लिक करेंगे तो आपके सामने एक फॉर्मेट आएगा, मीन्स आपको एक फॉर्म आएगा, उसको आपको फिल करना है। उस फॉर्म में आपको ये डिटेल मेंशन करनी है कि आपका नाम क्या है, आपके पैन कार्ड नंबर क्या है, आपके आधार नंबर क्या है, आपकी डेट ऑफ बर्थ क्या है, आपका जेंडर क्या है, मीन्स मेल या फिर फीमेल, जो भी आपके अदर डिटेल्स हैं, मीन्स की एड्रेस, कॉन्टैक्ट नंबर, ये आपको उसके अंदर फिल करने होंगे। आधार कार्ड में आपका जो भी नेम है, डेट ऑफ बर्थ है और जो भी आपका जेंडर है वो आपको मेंशन करना है इस फॉर्म में। और जैसे ही आप अपनी पूरी डिटेल मेंशन कर दें उसके बाद में आप इसको सबमिट कर दें। इस तरीके से आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। लेकिन ध्यान यह रखें कि जो भी आपके आधार कार्ड में डिटेल मेंशन की गई है वही सेम डिटेल आपके पैन कार्ड में होनी चाहिए, तभी आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक कर सकते हैं। अन्यथा आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक नहीं कर पाएंगे। और इनकम टैक्स रिटर्न अगर फाइल करते हैं तो सबसे पहले यह जरूर ध्यान रखें कि आप अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक जरूर कर लें, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट ने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना अनिवार्य कर दिया है कि अगर आप इनकम टैक्स रिटर्न फाइल करते हैं तो आपको अपने आधार कार्ड को पैन कार्ड से लिंक करना आवश्यक होगा। आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा। इसी प्रकार के वीडियोस देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को लाइक एंड शेयर करना ना भूलें।